हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्राइजर्स। तो आज हम लोग मैथ्स का ये सवाल देखेंगे कि क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। सपोज ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक सर्कल गिवन था, ठीक है, ये एक सर्कल गिवन था, ठीक है। तो इसमें बोला ए बी इज़ अ डायमीटर, ए बी कोई भी एक डायमीटर मान लेते हैं, यही डायमीटर ए बी। फिर क्या बोला है कि व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये एक कॉर्ड मान लेते हैं, यही कॉर्ड है, वो सी और डी नाम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये सेंटर ओ, ये कॉर्ड है, ये ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर डायमीटर होता है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है सर्कल में, तो ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, ठीक है। तो अगर कॉर्ड जो होगा, तो अगर वो बी पॉइंट पे कॉर्ड होता, तो बी पॉइंट पे होता तो ये जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर यानी पॉइंट कॉर्ड होता, ठीक है। और फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेंथ बढ़ते जाएगा कॉर्ड का, फिर जैसे ए पे आएगा वो भी पॉइंट कॉर्ड हो जाएगा। तो एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मान लेते हैं अगर थीटा है तो एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले यहाँ पे होगा, जीरो, जीरो से लेके पाई तक जाएगा थीटा, समझ रहे। यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पॉइंट कॉर्ड है, और फिर आखिर में पॉइंट में खत्म हो रहा है, तो जीरो से लेके पाई तक जा रहा है, पॉइंट कॉर्ड हम लोग को ज़्यादा मैटर करेगा नहीं, तो हम लोग थीटा कहाँ से ले लेंगे, जीरो से पाई तक होगा, ठीक है। ये क्लियर है, कोई भी कॉर्ड लेंगे कोई भी डायमीटर लेंगे हमेशा ऐसा होगा ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा वाई बाय आर। तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, वाई चाहिए ना, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो वाई की जगह हम लोग को टू वाई चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड तो डबल है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि एवरेज लेंथ पूछा है, कि एवरेज लेंथ कॉर्ड का क्या होगा। तो ये पहले तो यहाँ इतना छोटा, फिर बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर घट रहा घट रहा घट रहा। तो एवरेज लेंथ यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक में पूरा एवरेज चाहिए हम लोग को। तो एवरेज लेंथ जो होगा, एवरेज लेंथ वो क्या होगा, उसके लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा। क्यों इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि यहाँ छोटा पार्ट से स्टार्ट होकर फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है पॉइंट पार्ट में, तो इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट के लिए कहाँ से लेंथ इसका ले लेंगे हम लोग, लेंथ यहाँ क्या गिवन है, टू वाई। तो टू वाई क्या हो जाएगा, टू वाई हम लोग को पता है, टू आर साइन थीटा, तो टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ डी थीटा एक छोटा सा एलिमेंट, अगर हम लोग यहाँ से ले लेंगे डी थीटा से, तो डी थीटा से पूरा थीटा तक जाएगा, तो टू आर साइन थीटा डी थीटा। और टोटल एंगल कहाँ है, डी थीटा कहाँ से जा रहा है, जीरो से लेके पाई, तो मैक्सिमम टोटल सम एंगल कितना है, पाई है, तो बाय पाई। लिमिट कहाँ से होगा, जीरो से पाई तक, ठीक है। ये एवरेज लेंथ वाला पार्ट समझ में आ गया ना, क्योंकि ये हम लोग को कॉर्ड का एवरेज लेंथ चाहिए, तो कॉर्ड का टोटल लेंथ जो है टू आर साइन थीटा, और डी थीटा इसलिए रही क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट लेके करेंगे, तो डी थीटा, और फिर पाई बाय पाई किए क्योंकि टोटल एंगल जो बन रहा है वो पाई बन रहा है, और फिर इंटीग्रेशन जीरो से पाई तक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉन्स्टेंट पर बाहर निकाल लेते हैं, टू आर बाय पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू टू आर बाय पाई माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा जीरो टू पाई, ठीक है। माइनस टू आर बाय पाई कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉस थीटा कॉस पाई क्या हो जाएगा, माइनस वन, और कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर आर बाय पाई। तो ये क्लियर है आप लोगों की, एवरेज लेंथ जो होगा कॉर्ड का, कोई भी कॉर्ड हो अगर वो डायमीटर से परपेंडिकुलर बना रहा है, डायमीटर से परपेंडिकुलर होगा तो उसका एवरेज लेंथ फोर आर बाय पाई होगा हमेशा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसी मैथ्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।